a tally tally oo. Ding 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 ding. Wait a minute. Who are you? Okay. Hola, como tale tale oo. So nice to meet you. सो इस तरीके के ट्रेंडिंग रील्स वीडियो एडिटिंग हम लोग वीएन वीडियो एडिटर ऐप के अंदर करने वाले हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन से जाके वीएन वीडियो एडिटर ऐप को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है, देन इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले आपको बीच में जो प्लस का आइकन देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देन आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैंने रील्स वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, सो आप लोग उस रील्स वीडियो को डाउनलोड कर लोगे। अगर आपको रील्स वीडियो डाउनलोड नहीं करने आता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देख कर सीख सकते हो कि रील्स वीडियो डाउनलोड कैसे किया जाता है। देन हम लोग उस रील्स वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक प्रोसेसिंग का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सो हम लोग तब तक यहाँ पर वेट कर लेंगे, तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको धन्यवाद। तो चलिए आगे, तब तक हम लोग यहाँ पर थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं। अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ऊपर इस ओरिजिनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन आपको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको जाना है वीडियो के एंड में, एंड में आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट देखने को मिल जाएगा, सो आप लोग इस पार्ट पर क्लिक करके इस पार्ट को डिलीट कर दोगे। डिलीट करने के बाद आपको करना क्या, तो सबसे पहले इस वीडियो का म्यूजिक हमको यहाँ से म्यूट कर देना है, देन अब आपको इस वीडियो में म्यूजिक ऐड करना है। सो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर म्यूजिक प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर से म्यूजिक पर क्लिक करना है, देन हमको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करना है। अब आपने जो रील्स वीडियो डाउनलोड किया था उस रील्स वीडियो को फिर से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आपका ऑडियो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद म्यूजिक बीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको कुछ बीट ऐड करने हैं, तो बीट मैं आपको टाइमिंग के साथ बता दूंगा किस टाइमिंग पे आपको कौन सा बीट ऐड करना है और कितने बीट ऐड करने हैं। तो आपको फर्स्ट बीट 9.10 सेकंड पर ऐड कर लेना है, आपको 9.10 सेकंड पर आना है और फर्स्ट बीट पर यहाँ पर लाल वाले झंडे पर क्लिक करके एक बीट ऐड कर लेना है। उसके बाद अब आपको 10.40 सेकंड पर आके सेकंड बीट अपना ऐड कर लेना है। उसके बाद अब आपको थर्ड बीट 11.05 सेकंड पर आके ऐड कर लेना है। उसके बाद फोर्थ बीट 11.70 सेकंड पर आपके ऐड करना है। उसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट बीट हमारा 13.05 सेकंड पर आके ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको एरो पर क्लिक करके इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद हमारे वीडियो के म्यूजिक में हमारा जो बीट है वो ऐड हो चुका है, बट अब हम लोग इसको थोड़ा यहाँ से जूम कर लेंगे, कुछ इस तरीके से जूम कर लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट बीट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको स्प्लिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इस वीडियो को कट कर देना है। देन हम लोग सेकेंड बीट पर आएंगे, फिर से वीडियो को कट करेंगे, फिर से थर्ड बीट पर आएंगे, फिर से स्प्लिट पर क्लिक करके वीडियो को कट करेंगे, फिर से फोर्थ पर आके कट करेंगे एंड लास्ट पर आकर भी इसको ऐसे ही कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारा वीडियो जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर कटिंग हो चुका है। अब आपको जो सबसे फर्स्ट फ़ोटो है वो अपने बच्चे का फ़ोटो ऐड करना है इसमें, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फ़ोटो वाले सेक्शन में आ जाना है। सो आपको जो भी बच्चा वाला फ़ोटो ऐड करना है उस फ़ोटो को आप लोग यहां से सेलेक्ट कर लोगे अपने गैलरी से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई फ़ोटो है नहीं, तो हम लोग इसी फ़ोटो को यहाँ पर आपको ऐड करके दिखा देते हैं। इसी फ़ोटो को हमने ऐड कर दिया, उसके बाद हम लोग आएंगे अपने सेकेंड फ़ोटो पर। सेकेंड फ़ोटो पर आने के बाद इस पर फिर से क्लिक करेंगे, रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो में आएंगे। अब आपको यहाँ से जो भी फ़ोटो ऐड करना है उस फ़ोटो को आपको सेलेक्ट करना है, फिर से आपको थर्ड फ़ोटो पे आना है। कुछ इसी तरीके से आपको सारे फ़ोटो पर क्लिक करके एंड रिप्लेस करके आपको फ़ोटो वाले सेक्शन में आके अपना फ़ोटो यहाँ से अपना चेंज कर लेना है। अब ऐड करने के बाद अब आपको आना है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में जो आपको फर्स्ट यहाँ पर प्लस का आइकन देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देन आपको जूम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको सेकेंड प्लस वाले आइकन पर आकर क्लिक करना है, जूम इन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके टिक कर देना है। उसके बाद थर्ड पर आना है, जूम वाला सेलेक्ट करना है,
उसके बाद फोर्स पर आके जूम इन वाला सेलेक्ट करना है। एक बार आपको जूम वाला और एक बार आपको जूम इन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से इसको फिक्स कर देना है। अब हमारा वीडियो जो है वो 90% एडिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जहाँ रिंगिंग होता है वहाँ पर आपको एक मोबाइल फ़ोन का इमेज इसमें ऐड करना है। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर मैंने एक PNG दे रखा हूँ जिस PNG को आप लोग डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद अब आपको करना है कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फ़ोटो वाले ऑप्शन में आना है और आपने जो PNG डाउनलोड किया उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो PNG कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसको कुछ नीचे की तरह हम लोग यहाँ पर स्लाइड कर देंगे। स्लाइड करने के बाद अब आपको इसको यहाँ पर थोड़ा ही रखना है जहाँ तक हमारा ये वीडियो का पार्ट है, यहाँ पर हम लोग आएंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे या फिर क्रॉप कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस मोशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन हम लोग आएंगे लूप एनिमेशन वाले ऑप्शन पर। आपको यहाँ पर एक हॉट बिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको टिक कर देना है। अब हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर 100% एडिट हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग वायरल रील्स हमने एडिट करके आपको दिखा दिया। अगर आपको VN वीडियो एडिटर ऐप के अंदर वीडियो एडिट अच्छे तरीके से नहीं करने आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देखकर सीख सकते हो कि VN वीडियो एडिटर ऐप के अंदर हम लोग वीडियो कैसे एडिट करते हैं। अब इस वीडियो को गैलरी में लेके जाने के लिए आपको ऊपर इस एक्सपर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हमारा यहाँ पर 100% हो जाएगा ये वीडियो हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो एडिटिंग कैसा लगा। अगर आपको ये रील्स वीडियो एडिटिंग कमाल का लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।